चीना बोरा मर्डर केस एक ऐसा मामला है जिसे समझने में पुलिस को कई महीने लग गए थे। बात जून 2015 की है। उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया हुआ करते थे। एक दिन राकेश मारिया अपने दफ्तर में बैठे हुए थे कि तभी उनके फोन की घंटी बजी, और जैसे ही उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक अनजान लड़की ने कहा कि इंद्रानी मुखर्जी की बहन चीना बोरा 2012 से ही गायब है, क्योंकि 2012 में ही उसकी हत्या उसकी अपनी बहन इंद्रानी मुखर्जी ने कर दी थी। इस मामले में कुछ बड़े नाम शामिल हैं, इसीलिए आप पूरी मामले की जांच करें। महिला ने फोन पर इतनी बातें कहने के बाद फोन को काट दिया। राकेश मारिया अपने जमाने के दिग्गज पुलिस अफसरों में गिने जाते थे। इन्होंने ही 26/11 आतंकी मामले की जांच की थी तथा कई हाई प्रोफाइल मामलों को इन्होंने खुद देखा था। फोन करने वाले ने अपनी कोई पहचान नहीं बताई, लेकिन उस महिला का दावा काफी बड़ा था और उसने इंद्रानी मुखर्जी का नाम लिया था, इसलिए राकेश मारिया समझ गए कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। बता दें कि उस समय इंद्रानी मुखर्जी भारतीय मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थी और इनके पति पीटर मुखर्जी को मीडिया टाइकून कहा जाता था। पीटर मुखर्जी के कई बड़े टीवी चैनल चलते थे, ये स्टार ग्रुप से लेकर INX मीडिया तक के सीईओ रह चुके थे। इसीलिए राकेश मारिया सीधे इंद्रानी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी पर हाथ नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि ना तो उनके पास कोई सबूत था और ना ही कभी किसी चीना बोरा नाम के लड़की के गायब होने की एक भी FIR कहीं दर्ज की गई थी। इस फोन के बाद राकेश मारिया ने उस पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया जिस एरिया में पीटर और इंद्रानी का घर आता था। यह पुलिस स्टेशन था मुंबई का खार पुलिस स्टेशन। खार पुलिस स्टेशन में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या 3 साल पहले यानी 2012 में इस थाने में किसी चीना बोरा नाम की लड़की के गायब होने की FIR दर्ज कराई गई है। जांच पड़ताल के बाद खार पुलिस स्टेशन की ओर से बताया गया कि ऐसे किसी भी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट यहां दर्ज नहीं है। आसपास के थानों में भी ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज होने का पता लगाया गया, लेकिन कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट दर्ज होने की खबर सामने ही नहीं आई। एक पल के लिए लग रहा था कि शायद यूं ही पुलिस को गुमराह करने के लिए किसी ने फोन किया होगा, लेकिन राकेश मारिया मानकर चल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस मामले में सच्चाई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए राकेश मारिया ने अपनी एक खास जांच टीम का अनऑफिशियल तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा दिया और उस जांच टीम की कमान अपने सबसे विश्वसनीय ऑफिसर दिनेश कदम के हाथों में दे दी। दिनेश कदम राकेश मारिया के साथ मिलकर कई हाई प्रोफाइल केस को सुलझा चुके थे। राकेश मारिया ने दिनेश कदम को खास तौर से हिदायत दी कि इस जांच की भनक इस जांच में शामिल चंद ऑफिसर के अलावा किसी को नहीं लगनी चाहिए और खासकर ये खबर कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए कि मुंबई पुलिस किसी चीना बोरा मामले की जांच कर रही है। पुलिस को अज्ञात कॉल जून 2015 में आया था और जांच करते हुए पूरे महीने के बाद जुलाई महीना भी बीत गया, लेकिन दिनेश कदम के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। लेकिन दिनेश कदम और राकेश मारिया हार मानने को तैयार नहीं थे। दिनेश कदम ने अपने मुखबरियों को पूरे इलाके में फैला दिया था और पीटर और इंद्रानी और इस परिवार से जुड़े हर एक व्यक्ति से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस की ये चाल काम कर गई और अगस्त महीने में दिनेश कदम के एक विश्वसनीय मुखबिर ने ये खबर दी कि 2012 तक इंद्रानी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम श्यामवर राय था। किसी भी परिवार में अगर परिवार से जुड़ी सबसे ज्यादा जानकारी किसी के पास होती है तो वो होता है घर का नौकर या फिर घर का ड्राइवर। पुलिस को लगा कि अगर ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुला लिया जाए तो काफी कुछ साफ हो जाएगा। दिनेश कदम जल्द से जल्द अब इंद्रानी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को उठाकर पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन राकेश मारिया ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया, क्योंकि उस समय इंद्रानी मुखर्जी भारत के बाहर थी और राकेश मारिया को आशंका थी कि जैसे ही ड्राइवर की गिरफ्तारी की खबर इंद्रानी तक पहुंचेगी और सच में अगर ऐसा कुछ कांड हुआ होगा तो फिर कभी भी इंद्रानी मुखर्जी भारत वापस नहीं आएगी, इसीलिए पुलिस अब इंद्रानी मुखर्जी के भारत आने का इंतजार करने लगी और साथ ही उस ड्राइवर पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। ध्यान दें, यहां तक सभी जांच अनऑफिशियल तरीके से चल रही थी, क्योंकि पुलिस के पास एक अज्ञात फोन के अलावा ना तो कोई FIR दर्ज करवाई गई थी और ना ही किसी ने चीना बोरा नाम की लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2015 के अगस्त महीने में जब इंद्रानी मुखर्जी भारत आई
तो पुलिस इंद्रानी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर को गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर ड्राइवर को किस आरोप में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ड्राइवर पर भी कभी किसी तरह का कोई मामला दर्ज कराया नहीं गया था, और बिना किसी आरोप के अगर ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता तो निश्चित तौर पर हंगामा मचना तय था। इसीलिए पुलिस ने तुरंत ड्राइवर की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी और पता चला कि यह ड्राइवर कुछ छोटी मोटी छीन छोड़ की घटनाओं को अंजाम देता था। इसके अलावा पुलिस को ड्राइवर के पास अवैध कट्टा होने की खबर भी मिली। यह खबर मिलते ही पुलिस को बड़ा मौका मिल गया और तुरंत ही पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को अवैध हथियार रखने के जुर्म में इंद्रानी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर पिंटू राम राय को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया की नजरों में यह गिरफ्तारी अवैध हथियार रखने के जुर्म में हुई थी, लेकिन पुलिस का असल मकसद तो इस ड्राइवर के जरिए शीना बोरा के बारे में पता लगाना था। शुरू में तो ड्राइवर पूछताछ में किसी भी शीना बोरा के बारे में जानने से इनकार करता रहा। पुलिस को बहुत जल्द ही शक हो गया कि यह ड्राइवर झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो बयान बदल रहा था और बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। इस पर पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ करनी शुरू कर दी, तो आगे ड्राइवर ने जो खुलासा किया वो जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पूछताछ के दौरान आखिरकार पुलिस के सामने श्यामवर राय पिघल गया और उसने खुलासा किया कि 2012 में रायगढ़ जिले के एक जंगल में उसने शीना बोरा की हत्या करके उसकी लाश को जला दिया था और वहीं पर लाश के कुछ हिस्सों को भी गाड़ दिया था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि यह सब कुछ उसने अपनी मालकिन इंद्रानी मुखर्जी के कहने पर किया था। इसके अलावा ड्राइवर ने खुलासा किया कि शीना बोरा की हत्या का पूरा प्लान इंद्रानी मुखर्जी ने बनाया था और इस प्लान में इंद्रानी मुखर्जी के दूसरे पति संजीव खन्ना ने भी साथ दिया था। जब ड्राइवर से पूछा गया कि आखिर ये शीना बोरा और इंद्रानी मुखर्जी का रिश्ता क्या है, तो ड्राइवर ने बताया कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की छोटी बहन थी और ये हत्या क्यों करवाई गई इस बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इस खुलासे के बाद पुलिस तुरंत श्यामवर राय को अपने साथ लेकर रायगढ़ जिले के उस जंगल पहुंच गई जहां पर शव को जलाने और दफनाने का दावा उसने किया था। ड्राइवर की निशानदेही पर जब उस जंगल में खुदाई की गई तो वहां से मानव कंकाल के अवशेष मिले। इसके अलावा पुलिस ने तुरंत इस एरिया को लोकल पुलिस स्टेशन से भी कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि क्या 3 साल पहले किसी लड़की की लाश इस जंगल में मिली थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि 2012 में अप्रैल महीने के अंत में एक लड़की की अधजली लाश इस जंगल में मिली थी। काफी खोजबीन के बाद जब इस लाश का कोई वारिस नहीं मिला तो पुलिस ने उस लाश का अंतिम संस्कार खुद ही करवा दिया था। अब लगभग कंफर्म हो गया था कि जलाई गई लाश शीना बोरा की थी और इस जंगल में शव के अवशेष भी शीना बोरा के ही थे। इसके अलावा सबसे बढ़कर यह बात साबित हो गई कि अज्ञात फोन करने वाली महिला ने भी जो कहा था वो सच था। पुलिस के पास इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार करने के लिए ड्राइवर का बयान ही काफी था। फिर भी चूंकि इंद्रानी और पीटर मुखर्जी बहुत बड़ी हस्ती थे, इसीलिए पुलिस ने अपने सबूत और पुख्ता करना चाहा। इसके लिए पुलिस ने सभी का 24 अप्रैल 2012 का कॉल डिटेल निकलवाया तो उससे भी कंफर्म हो गया कि उस डेट को ड्राइवर इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना लगातार एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे और ड्राइवर के बयान के अनुसार इन सभी की लोकेशन बिल्कुल मैच कर रही थी। यहां तक ये तीनों उस जंगल में भी गए जहां से शव के अवशेष बरामद हुए थे। अब तक ये मामला मीडिया में नहीं आया था क्योंकि पुलिस ने पूरी गोपनीयता बरकरार रखी थी ताकि इन सभी बातों की खबर इंद्रानी मुखर्जी तक ना जाए और उसे भागने का मौका ना मिले। पुलिस का यह प्लान कामयाब रहा और प्लान के मुताबिक पुलिस ने सभी सबूत जुटाने के बाद 25 अगस्त 2015 को इंद्रानी मुखर्जी को रात में उसके घर से अपनी छोटी बहन शीना बोरा के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से इंद्रानी मुखर्जी पूरी तरीके से हिल गई, क्योंकि उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि जो कांड इन लोगों ने 3 साल पहले अंजाम दिया था वो एक अज्ञात कॉल से खुल गया था।
इंद्राणी मुखर्जी को हत्या की धारा 302 सबूत मिटाने और झूठी जानकारी के लिए धारा 201, किडनैपिंग की धारा 363 और कॉमन इंटेंशन की धारा 34 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और बैंड्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस कस्टडी के लिए पेश किया गया। तत्काल ही पुलिस को इंद्राणी मुखर्जी की कस्टडी भी मिल गई। शुरुआती पूछताछ में इंद्राणी साफ तौर से शीना बोरा की हत्या से इनकार करती रही और वो ये कहती रही कि शीना बोरा अमेरिका में है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया और ड्राइवर श्यामवर राय से हुई पूछताछ के बारे में बताया तो आखिरकार इंद्राणी मुखर्जी टूट गई और उसने जो खुलासा किया वो विश्वास से परे था। इंद्राणी मुखर्जी का खुलासा क्या था उस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी के बाद किसकी गिरफ्तारी हुई। इंद्राणी मुखर्जी और ड्राइवर से पूछताछ के दौरान संजीव खन्ना नाम के एक व्यक्ति की भूमिका भी शीना बोरा हत्याकांड में सामने आई। पूछताछ के आधार पर 26 अगस्त 2015 को कलकत्ता से संजीव खन्ना को किडनैपिंग की धारा 364, मर्डर की धारा 302 और सबूत मिटाने की धारा 201 के अंडर तथा साजिश रचने की धारा 120B के तहत मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में संजीव खन्ना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सभी आरोप स्वीकार कर लिए, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के पास अब भी काफी कुछ ऐसा था जो वो छुपा रही थी। इधर पुलिस पूछताछ के दौरान ही इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी के ठीक अगले दिन यानी 26 अगस्त 2015 को मिखाइल बोरा नाम का लड़का सामने आया और इसने जो खुलासा किया तो वो और भी उलझाने वाला था और इस खुलासे ने पूरी जांच के रुख को ही दूसरी तरफ मोड़ दिया था। शीना बोरा को आज तक दुनिया इंद्राणी मुखर्जी की सौतेली बहन के तौर पर जानती थी। यहां तक कि इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी को भी यही पता था कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की सौतेली बहन है, लेकिन मिखाइल बोरा नाम के लड़के ने पुलिस को बताया कि शीना बोरा असल में इंद्राणी मुखर्जी की सौतेली बहन नहीं बल्कि अपनी खुद की बेटी है और ये खुलासा करने वाला लड़का मिखाइल बोरा इंद्राणी मुखर्जी का अपना बेटा है। इस खुलासे के बाद रिश्तों की गुत्थी और भी उलझ गई और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर जिसे दुनिया इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बहन समझ रही थी वो इंद्राणी मुखर्जी की बेटी कैसे हो सकती है। इसे समझने के लिए आपको अब थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं और इंद्राणी मुखर्जी की कुछ साल पहले की जिंदगी के बारे में बताते हैं। इंद्राणी मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर 1972 को असम के गुवाहाटी के बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जन्म के समय इनका नाम पोरी बोरा रखा गया था। पढ़ाई लिखाई में इंद्राणी मुखर्जी काफी अच्छी थी और ये काफी अच्छे से पढ़ाई करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाती रही। पढ़ाई में ये जरूर अच्छी थी, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी की एक बात थी कि ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी, इसीलिए अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। शुरू में इसने आसाम में ही छोटे मोटे जॉब किए और आसाम में जॉब के दौरान 1986 में इंद्राणी मुखर्जी की मुलाकात असम के ही रहने वाले सिद्धार्थ दास से हुई। धीरे धीरे सिद्धार्थ दास और इंद्राणी की दोस्ती बढ़ी और फिर ये दोनों लिव इन में रहने लगे। बिना शादी के ही इन दोनों के दो बच्चे हुए। इनमें एक बेटी हुई जिसका नाम था शीना बोरा और एक बेटा जिसका नाम था मिखाइल बोरा। 1989 तक इंद्राणी मुखर्जी सिद्धार्थ दास के साथ रिलेशनशिप में रही, लेकिन अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इसने सिद्धार्थ दास को छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चे यानी शीना और मिखाइल को अपने माता पिता के पास छोड़कर ये कलकत्ता आ गईं। कलकत्ता में आकर 1996 में इंद्राणी ने INS सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक रिक्रूटमेंट कंपनी की शुरुआत करी। कलकत्ता में काम करते हुए इंद्राणी मुखर्जी की मुलाकात संजीव खन्ना से होती है और ऑफिशियली 1993 में इंद्राणी ने पहली बार संजीव खन्ना से शादी कर ली। यहाँ इंद्राणी मुखर्जी ने पहले से दो बच्चे होने की बात भी संजीव से छुपाई। संजीव खन्ना से शादी के बाद इंद्राणी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम विधि रखा गया। संजीव से शादी करने के बाद इंद्राणी की कंपनी ने काफी तरक्की की और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हुए 2001 में इंद्राणी मुखर्जी कलकत्ता से मुंबई आ गईं। यहां इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बतौर एचआर काम करना शुरू कर दिया।
साथ ही दिग्गज मीडिया हाउस स्टार इंडिया ने भी इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी को ही एचआर का जिम्मा थमा दिया। अब मार्केट में इंद्राणी मुखर्जी एक बड़ा नाम बन चुकी थी। इधर स्टार इंडिया में उस समय पीटर मुखर्जी काम किया करते थे और कंपनी के सीईओ थे। अब इंद्राणी मुखर्जी भी स्टार इंडिया के साथ थी और पीटर भी इसी कंपनी के सीईओ थे। यहीं दोनों की मुलाकात होती गई और धीरे धीरे रोज की मुलाकात प्यार में बदल गई और 2002 में इंद्राणी मुखर्जी ने आधिकारिक तौर पर अपने पहले पति संजीव खन्ना से तलाक लेते हुए पीटर मुखर्जी से 2002 में शादी कर ली। इंद्राणी मुखर्जी से 2002 में शादी से पहले पीटर ऑलरेडी शादीशुदा थे, हालांकि इनका तलाक 1994 में हो चुका था। 1975 में पीटर मुखर्जी ने शबनम मुखर्जी नाम की औरत से शादी की थी, जिनसे इनको दो बच्चे भी थे। एक बेटे का नाम था रॉबिन मुखर्जी और दूसरे का नाम था राहुल मुखर्जी। जब इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर से शादी की तो अपने दूसरे पति संजीव खन्ना से हुई बेटी विधि को भी अपनी बेटी बनाकर वो साथ ले आई, जबकि इंद्राणी ने पीटर से भी असम में रह रहे दो और बच्चों के रहने की बात छुपा दी। इधर जब इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से शादी कर ली तो इसकी दौलत दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की से बढ़ने लगी। उधर इंद्राणी जब लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो इसके जो दो बच्चे हुए थे और जिसे इंद्राणी ने अपने माता पिता के पास असम में छोड़ा हुआ था, उनकी परवरिश करने में इंद्राणी के माता पिता ने असमर्थता जताई क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। कुछ महीने तक तो इंद्राणी ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए अपने माता पिता को पैसा भेजा, लेकिन कुछ समय बाद इंद्राणी ने अपने पति पीटर मुखर्जी से कहा कि असम में मेरी सौतेली भाई और बहन रहती है जिसे वो यहाँ लाना चाहती है ताकि वो बेहतर पढ़ सके। इस तरह मुंबई में सभी के सामने अपने सगे बेटे मिखाइल और बेटी शीना बोरा को अपना सौतेला भाई और बहन बताकर इंद्राणी दोनों को मुंबई ले आई और इन दोनों का एडमिशन शहर के बहुत ही बड़े कॉलेज में करवा दिया। क्योंकि अब इंद्राणी के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए इंद्राणी की ये दोनों बच्चे अब उनके घर में ही इंद्राणी के सौतेले भाई बहन बनकर रह रहे थे। अब आपको काफी हद तक रिश्तों की गुत्थी समझ में आ गई होगी। चलिए अब वापस कहानी पर चलते हैं कि अब शीना बोरा की हत्या कैसे और क्यों हुई। ड्राइवर ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि शीना बोरा की हत्या का पूरा प्लान शीना बोरा की अपनी सगी मां इंद्राणी मुखर्जी ने बनाया था, जिसमें बाद में उसने अपनी पूर्व पति संजीव खन्ना और अपने ड्राइवर श्यामवर राय को भी शामिल किया। प्लान के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा की हत्या को अंजाम देने के लिए कलकत्ता से ही अपने पूर्व पति संजीव खन्ना को बुला लिया। मुंबई आकर संजीव खन्ना मुंबई वर्ली के होटल हिलटॉप में रुके थे। इधर साजिश के तहत 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा को फोन करके इंद्राणी ने यूं ही मुलाकात करने के लिए बुलाया। शीना ने सोचा कि शायद मां यूं ही मिलने के लिए बुला रही है, लेकिन उसे कहां पता था कि यहां उसकी मां उसकी मौत का पूरा इंतजाम कर चुकी है। क्योंकि शीना बोरा को उसकी मां ने मिलने के लिए बुलाया था, इसीलिए वो 24 अप्रैल 2012 को शाम के 6 बजे अपनी मां से मिलने बांद्रा से लिंकिंग रोड के पास मौजूद नेशनल कॉलेज के पास आ गई। कुछ देर बाद यहां एक कार आकर रुकी जिसमें पिछली सीट पर इंद्राणी बैठी हुई थी और अगली सीट पर संजीव खन्ना बैठा हुआ था। मां को गाड़ी के अंदर देखते ही शीना बोरा गाड़ी के अंदर आ गई। गाड़ी के अंदर बैठने पर शीना को इंद्राणी ने एक पानी की बोतल पीने के लिए दी। शीना बोरा को नहीं पता था कि जो पानी वो पी रही है उसमें बेहोशी की दवा मिली हुई है, इसीलिए जैसे ही शीना बोरा ने वो पानी पिया वो बेहोश हो गई। शीना बोरा के बेहोश होते ही ये सब गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां एक जगह गाड़ी को खड़ी करने के बाद ड्राइवर ने शीना बोरा के पैरों को जोर से पकड़ा और इंद्राणी मुखर्जी ने बड़ी बेरहमी से अपने ही हाथों से अपनी सगी बेटी का तब तक गला दबाए रखा जब तक उसकी सांसें टूट ना गईं। शीना बोरा की हत्या करने के बाद सभी जल्द से जल्द लाश को ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि शायद वो सभी पकड़े जाएंगे, इसीलिए उन सभी ने शहर से दूर ले जाकर रात के अंधेरे में लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। शीना बोरा की हत्या करने के बाद फिर से इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी मरी हुई बेटी का अच्छे से मेकअप किया और गाड़ी की पिछली सीट पर एक तरफ वो बैठ गईं, बीच में अपनी बेटी
की लाश शीना बोरा को बिठाया और दूसरी तरफ उसका पूर्व पति संजीव खन्ना बैठ गया और संजीव खन्ना ने शीना बोरा के गर्दन पर हाथ भी रखा हुआ था ताकि किसी को देखकर शक ना हो कि बीच में जो लड़की है वो दरअसल मरी हुई है। देखने वालों को लग रहा था कि बीच में जो लड़की है वो सो रही है। इस तरह बड़े आराम से वो सभी शीना बोरा की लाश को लेकर सीधा वर्ली में मौजूद इंद्रानी मुखर्जी के घर पर गए। इंद्रानी मुखर्जी अपनी गाड़ी से उतरकर बड़े आराम से घर के अंदर जाकर सो गई। वहीं उसका पूर्व पति संजीव खन्ना भी अपने होटल में जाकर सो गया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर श्यामवर राय शीना बोरा की लाश को गाड़ी की डिक्की में छुपाकर उस गाड़ी में सो गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि मुंबई में रात के 2 बजे तक भी लोग जागते रहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुबह 4 बजे का समय चुना और प्लान के मुताबिक 25 अप्रैल 2012 की सुबह 4 बजे फिर से संजीव खन्ना, इंद्रानी मुखर्जी और उसका ड्राइवर लाश को लेकर वर्ली से 103 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रायगढ़ जिले में एक जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने लाश पर पेट्रोल छिड़का और उसे जला दिया। साथ ही लाश को कुछ टुकड़ों में भी काट दिया। जलाने के बाद उन लोगों ने लाश को वहीं गड्ढा खोदकर दफन कर दिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से और हड़बड़ी में ये लोग नहीं देख पाए कि लाश का कुछ हिस्सा बाहर ही रह गया था, जिसे कुछ दिनों के बाद स्थानीय पुलिस ने बरामद किया और कुछ दिन बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसका खुलासा 2015 में मुंबई पुलिस की तफ्तीश की वजह से हो पाया। इतने शातिर तरीके से और इतनी बेरहमी से हत्या हो गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। इन सब खुलासों के बाद मुंबई पुलिस संजीव खन्ना, इंद्रानी मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी के ड्राइवर पर शिकंजा कस रही थी, जबकि पीटर मुखर्जी को जांच के दायरे से बाहर रखा जा रहा था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक पीटर मुखर्जी के हत्याकांड में शामिल होने से संबंधित सबूत नहीं मिले थे। कुछ लोगों ने मुंबई पुलिस पर जांच में पीटर के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया और इन आरोपों के बीच मुंबई पुलिस ने जांच की कमान लेते हुए सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दे दी। सीबीआई ने कुछ दिनों तक जांच की और जांच के बाद सीबीआई ने दावा किया कि इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि शीना बोरा की हत्या की पूरी जानकारी पीटर मुखर्जी को भी थी, इसीलिए 19 नवंबर 2015 को शीना बोरा की हत्या के आरोप में तथा शीना के नाम पर एक फिशिंग कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में पीटर मुखर्जी को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सभी की गिरफ्तारियां हो गई और कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई, लेकिन इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शीना बोरा की हत्या क्यों की गई थी। शीना बोरा की हत्या की वजह इंद्रानी मुखर्जी का झूठ था। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि शीना बोरा और मिखाइल बोरा असल में इंद्रानी मुखर्जी के अपने बच्चे थे, जबकि इंद्रानी मुखर्जी ने पीटर से शादी करने के बाद उसे बताया कि शीना बोरा और मिखाइल उसके सौतेले भाई बहन हैं। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कुछ देर पहले यह भी बताया था कि जहां इंद्रानी मुखर्जी की पीटर मुखर्जी से तीसरी शादी थी और पीटर मुखर्जी भी पहले से शादीशुदा थे और उनके भी 2 बच्चे थे, उनके एक बेटे का नाम राहुल मुखर्जी था जबकि दूसरे बेटे का नाम रॉबिन मुखर्जी था। जब इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा को अपनी सौतेली बहन बनाकर मुंबई ले आई थी तो उसके घर में इंद्रानी के सौतेले बेटे यानी पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम के बेटे राहुल मुखर्जी का भी आना जाना होता था। आते जाते राहुल मुखर्जी और शीना बोरा की दोस्ती हो गई। राहुल मुखर्जी और शीना बोरा की ये दोस्ती धीरे धीरे से प्यार में बदल गई और दोनों साथ ही जीने मरने की कस्में खाने लगे, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि शीना बोरा असल में राहुल की सौतेली बहन है, लेकिन राहुल मुखर्जी को ये पता नहीं था कि शीना बोरा उसकी बहन है, बल्कि राहुल तो ये समझता था कि शीना बोरा उसकी सौतेली माँ इंद्रानी मुखर्जी की सौतेली बहन है। इसीलिए राहुल दिलो जान से शीना बोरा को चाहने लगा था और दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे। इंद्रानी मुखर्जी हमेशा इस रिश्ते का विरोध करती थी, इस कारण घर में सभी के आपसी रिश्ते भी बिगड़ गए थे, रोज का झगड़ा भी आम हो गया था। राहुल मुखर्जी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था और ये शीना बोरा से शादी करने तक का प्लान कर चुका था।
राहुल और शीना ने अपनी एंगेजमेंट तक कर ली थी। अगर ये शादी होती तो असल में ये शादी एक सौतेले भाई बहन के बीच हो जाती। साथ ही पीटर मुखर्जी की काफी दौलत राहुल और शीना बोरा की हो जाती और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना से हुई बेटी विधि को कम हिस्सा मिलता। इसीलिए दौलत के लालच में आकर इंद्राणी मुखर्जी ने सभी को अपने और शीना बोरा के रिश्तों की सच्चाई बताए बिना अपनी ही सगी बेटी शीना बोरा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसी हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी मुखर्जी ने साजिश के तहत शीना बोरा को यह कहते हुए मिलने के लिए बुलाया था कि आओ हम राहुल से तुम्हारी शादी की बात करेंगे और जो भी मनमुटाव हम दोनों में है उसे हम दूर कर लेंगे। अब तक एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि शीना बोरा की हत्या करने में आखिर इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने मदद क्यों की। तो आपको बता दें कि अगर आपने पहले दी गई जानकारियों को ध्यान से सुना तो हमने बताया कि इंद्राणी ने जब संजीव से शादी की थी तो संजीव और इंद्राणी की एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था विधि। इस पूरे मामले की सच्चाई इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना को बताई और उससे कहा कि अगर बीच से शीना बोरा को हटा दिया जाए तो हमारी एक ही बेटी बचेगी, वो होगी विधि, और हमारे सारी के सारी दौलत विधि को ही जाएगी। इस तरह जायदाद के लालच में आकर संजीव खन्ना भी शीना बोरा की हत्या में इंद्राणी मुखर्जी का साथ देने के लिए कलकत्ता से चलकर मुंबई आ गया था। अब एक सवाल ये भी है कि जब हत्या 2012 में हुई तो पुलिस की नजर से ये मामला बच कैसे गया। यहाँ पुलिस की थोड़ी लापरवाही कही जा सकती है। शायद पुलिस एक्टिव रहती तो 2012 में ही इस मामले का खुलासा हो जाता। दरअसल जब 2012 में शीना की हत्या के बाद शीना का बॉयफ्रेंड यानी उसका सौतेला भाई राहुल मुखर्जी उससे संपर्क नहीं कर पाया और कहीं भी उसे नहीं खोज पाया तो वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन गया जहां उसने शीना बोरा के गायब होने की बात कही, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जब राहुल दूसरी बार फिर से पुलिस के पास गया तो पुलिस ने सीधा इंद्राणी मुखर्जी को फोन कर दिया और इंद्राणी ने कहा कि असल में मेरी बहन शीना राहुल को पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो राहुल को बिना बताए ही अमेरिका चली गई है। इस तरह पुलिस ने मामले को रफा दफा करते हुए वहीं पर खत्म कर दिया था। इधर शीना बोरा की हत्या से पहले इंद्राणी मुखर्जी ने उसका फोन भी जब्त कर लिया था, साथ ही जिस कंपनी में शीना बोरा काम करती थी उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड भी इंद्राणी ने हासिल कर लिया था। इसीलिए शीना की हत्या के कुछ दिनों बाद इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा का मोबाइल ऑन किया और उससे एक मैसेज राहुल के नंबर पर भेजा जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं चुपचाप अमेरिका आ गई। इसके अलावा शीना बोरा के ईमेल से एक रेजिग्नेशन लेटर उस कंपनी को मेल कर दिया गया जहां शीना पहले काम करती थी। उस रेजिग्नेशन लेटर में भी ये लिखा गया कि मैं कुछ पर्सनल कारण से अमेरिका आ गई हूं और अब यहीं पर रहने वाली हूं, इसीलिए मैं ये जॉब छोड़ रही हूं। एसएमएस और ईमेल के बाद राहुल को भी यकीन हो गया कि शीना बोरा उसका दिल तोड़कर उसे छोड़कर अमेरिका चली गई है और वो भी शांत बैठ गया। इधर इंद्राणी भी मजे से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन कहते हैं ना बुरे कर्मों का फल इसी दुनिया में मिलना है और झूठ को लंबे समय तक नहीं दबाया जा सकता। ऐसा ही इंद्राणी मुखर्जी के साथ भी हुआ और अनजान कॉल ने इन सभी के काले करतूतों से पर्दा उठा दिया। ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और किसी भी आरोपी को सजा नहीं मिली है। वैसे 2015 में गिरफ्तारी के बाद 7 साल जेल में बिताने के बाद 22 जून 2022 को संजीव खन्ना को भी बेल मिल गई है और वो जेल से बाहर हैं। वहीं शीना बोरा की हत्या की मुख्य आरोपी उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी को भी 18 मई 2022 को बेल मिल गई थी और वो भी जेल से बाहर आ चुकी है। इसके अलावा 4 साल जेल में बिताने के बाद 6 फरवरी 2020 को मुंबई हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को भी बेल दे दी थी। इस तरह इस हत्या में शामिल सभी लोग फिलहाल जेल से बाहर हैं। हालांकि इस पूरे मामले के खुलासे में
अहम भूमिका निभाने वाला इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर श्यामवर राय फिलहाल जेल में है, क्योंकि आज तक उसे जमानत नहीं मिल सकी है। वैसे इस मामले में भले ही लगभग मुख्य आरोपी जेल के बाहर हों, लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यहां तक कि इस मामले में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के अलावा 52 से ज्यादा गवाह हैं। ऐसे में आज ना कल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी तय है। दोस्तों, आपके अनुसार इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बड़ा दोषी कौन है, और अगर इंद्राणी मुखर्जी दोषी हैं, तो क्या इंद्राणी मुखर्जी को सजा मिलनी चाहिए? कमेंट